असलम महू बश्रा आप देख रहे हैं बुश्राज क्वेश्चन तो आज हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे हमारे पास जो फंक्शन है वो है z जेड इज इक्वल टू एफ वाई एंड एक्स तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फिर रिस्पेक्ट टू वाई चलिए सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पार्शली पार्शली डिफरेंशिएट इक्वेशन ए इसको इक्वेशन ए बोल देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा एफ़ डैश वाई वाई एंड एक्स एंड यहाँ पर साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा वाई आ जाएगा और साथ में हम लोग एक्स को कर रहे हैं तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्र अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से आया है डिफ्रेंसीशन तो अब सबको आती है ठीक है अब हाई काफ़ी हायर लेवल है तो इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे अब इसको जरा सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे, हम है हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्र एंड यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन लिख देंगे जो कि है एफ़ डैश बाई वाई एक्स ठीक है ये हो गया कर्ल हमारे पास एक्स का इसको हम लोग क्या कर देंगे स्मॉल वन दे देंगे एंड अप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो कर्ल जेड बाय कल वाई हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फंक्शन वाई बाई एक्स एंड वाई को कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा एंड एक्स आ जाएगा तो ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है इसको हम लोग टू का नाम दे देंगे अब क्या करेंगे इक्वेशन uh, वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ठीक है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कल जेड बाई कल एक्स ठीक है एंड यहाँ पर हम लोग कल जेड का कल एक्स बाय कल जेड एंड डिवाइड कल जेड बाय कल वाई ठीक है ये हो गया है इधर डिवीजन लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास क्या था माइनस वाई एक्स स्क्वेयर एंड फंक्शन डैश वाई बाय एक्स एंड फिर नीचे ये वाला क्या था ये था वन बाय एक्स एंड ये था फंक्शन वाई बाई एक्स तो इस तरह तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्रॉस हो जाते हैं एंड हम लोग वेरिएबल सेपरेशन करेंगे यानी ये यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा कल जेड बाय कल एक्स एंड ये यहाँ पर आ जाएगा कल जेड बाय कल वाई कल जेड बाय कल वाई ठीक है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ये y की y की तरफ भेजेंगे एंड x की x की तरफ भेजेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा इस वाले x को उधर भेज देंगे तो ये x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और ये वाला ये वाला जो वाई है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ये माइनस है तो माइनस साथ में लिखेंगे और ये एक्स को भीतर बस आप चले लेकर चले जाएं और तो उसको काट दें तो एक कट जाएंगे हमारे पास एक एक्स रह गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लेंगे तो ये एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा वाई एंड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई एंड इक्वल टू तो ज़ीरो एंड हमारा जो फंक्शन है वो तैयार हो गया है विद एलिमिनेटिंग ये हमारा जो इक्वेशन है वो आ गया है और फंक्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया है चलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि आप पी के मोर क्वेश्चन को देखें और हम लोगों ने काफ़ी सारी प्ले बनाई है जैसे थॉमस कैलकुलस और बाकी सारी भी डिस्क्रीट ऑफ मैथ और हम हम पी भी बना रहे हैं सही है ना और साथ में हम लोग न्यूमेरिकल मैथड्स की भी प्ले बना रहे हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलेगा थैंक यू सो मच